ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ सतीश और आज का हम लोग लेक्चर जो करने वाले हैं, यकीन मानिए आपके JKSSB का ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका इसके साथ कोई ताल्लुकात ना हो। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ऐसा JKSSB का कोई पेपर नहीं होगा, ना होने वाला है, जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने आए हो तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो मेरी तरफ से मैं गारंटी देता हूँ मोस्ट यूजफुल, पावरफुल, वैल्यूएबल होने वाला आप सबके लिए। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हर किसी ने खिचड़ी बना के बताई होगी। आज की अगर वीडियो देख ली तो आप लोगों को एक किस्म की हिस्ट्री जो है ना वो आंखों पर नजर आने शुरू हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टार्ट करने से पहले लेक्चर, कि आप लोग अगर JKSSB की तैयारी कर रहे हो और आप फ्री में करंट अफेयर, फ्री में JKSSB की सारी अपडेट्स चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो आप मैसेज करिए 7006332724 पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और हमारे लेक्चर का नाम है ट्रिक टू लर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या? ट्रिक टू लर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सबने हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की बहुत जगहों पे पढ़ी इवन, और मैंने खुद जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने खुद पढ़ी, और हर जगह एक खिचड़ी बनी हुई मिली और हर बार डर लगता था। ये पता था कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल कभी वैसा कंटेंट नहीं मिला जिसको एक नज़र मार के बार बार टेंशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट है, आज का जो लेक्चर है हिस्ट्री का, वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप सभी को बता दूं, कोई भी चीज़ आप पढ़ने जाओ कोशिश करो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आज का जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना अपने हर एक सब्जेक्ट में, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए मैंने जो तरीका निकाला हिस्ट्री को लर्न करने का, हिस्ट्री की ट्रिक्स जिसे मैं कहता हूँ, दैट इज़ कि जम्मू कश्मीर की, आज की जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कश्मीर हिस्ट्री को याद करने की, और एक ही वीडियो में सारी याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सबको याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ जो जम्मू कश्मीर है वो आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कितने? तीन। पहला जो पार्ट है दैट इज एंशियंट पार्ट, मतलब एंशियंट हिस्ट्री। कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री। पहले में आता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे में आता है आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और चौथे में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आपको जो जानना है पहले वो ये जानना है कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री आती है, फिर मेडिवल हिस्ट्री आती है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ध्यान से सुनते रहना। एंशियंट हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज आती हैं, कौन कौन सी आती है? सबसे पहली जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है दैट इज महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड, जिसे आप हिंदू पीरियड भी बोल सकते हो। क्या? हिंदू पीरियड भी बोल सकते हो। ठीक है, महाभारत पीरियड के बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई दैट वाज मौर्यान डायनेस्टी। मौर्यान डायनेस्टी, मौर्यान डायनेस्टी बोलो, अंपायर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, मौर्यान के बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है कुषाण, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण के बाद जो स्टार्ट होती है दैट इज करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी, क्लियर है यहां तक? मैंने आपको कहा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पहला एंशियंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। कॉमन सेंस की बात है, आप सभी को पता लग गई। ठीक, दूसरी मैंने कही कि एंशियंट में जो डायनेस्टीज आती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कौन सी? सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी हिंदू या महाभारत पीरियड, दूसरे नंबर पे आती है आपकी मौर्यन, तीसरे पे आती है कुषाण, चौथे पे आती है करकोटा डायनेस्टी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं आगे मेडिवल की। मेडिवल जो हिस्ट्री है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। मेडिवल की जो हिस्ट्री है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो रूलिंग पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो आता है वो आता है आप लोगों का हिंदू रूल, ठीक है, दूसरा जो आता है दैट इज, एक सेकेंड को,
दूसरा जो आता है दैट इज मुस्लिम रूल, मुस्लिम रूल। अब हिंदू रूल में कौन कौन से डायनेस्टीज रही, कौन कौन से किंग थे जिन्होंने रूल किया, सुनिए। सबसे पहली जो डायनेस्टी रही वो कौन सी थी, वो थी उत्पाला डायनेस्टी। कौन सी? उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के बाद बात आती है किन की? गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है लास्ट में, दैट इज देव डायनेस्टी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? हो गया। चलिए नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे, यहां पर हिंदू रूल खत्म हो जाता है देव डायनेस्टी, फिर मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। और पहली जो मुस्लिम डायनेस्टी आती है वो आती है शामीरी डायनेस्टी, जिसे शामीरी डायनेस्टी बोल सकते, शामीरी डायनेस्टी या शामीर डायनेस्टी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है चक डायनेस्टी, ठीक है। चक डायनेस्टी के बाद आती है मुगल अंपायर, शुरू होता है मुगल पीरियड, पीरियड बोलो अंपायर बोलो कुछ ही बोल सकते हो आप, ठीक है। मुगल्स के बाद लास्ट में आता है अफगान्स, किनका टाइम पीरियड आता है? अफगान्स का। अब शामीर डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राजा रहे, राजाओं का टाइम पीरियड रहा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो किंग थे शामीर डायनेस्टी के वो शामीरी थे, आप सभी जानते हैं। दूसरे जो थे वो थे साहिबुद्दीन, 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 ठीक है। साहिबुद्दीन के बाद कौन आते हैं? आते हैं भाई कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के बाद कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन के बाद आते हैं सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बाद आते हैं जैनुल, जैनुल अबिदीन। और ये ऐसा पर्सन है जिनके, मतलब आप लोग कह सकते हैं इनको बुद्धा बोला जाता था। मैं अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा बट एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। जैनुल अबिदीन क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद लास्ट में आएगा सुल्तान हबीब खान, सुल्तान हबीब खान, क्लियर है। चक डायनेस्टी में जो फाउंडर है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शमीरी डायनेस्टी में ये वो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। उसके बाद और कौन सी डायनेस्टी है जिसमें मैक्सिमम रूलर्स रहे जिनके बारे में जानने की जरूरत रहती है? दैट इज मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में सबसे पहले कौन आया? अकबर। अकबर के बाद आते हैं बारी किनकी? जहांगीर की। अब जहांगीर के बाद कौन आया? जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां। और शाहजहां के बाद लास्ट में कौन आता है? औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। क्लियर है? ZDP क्लियर है? देखो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, और सॉरी मेडिवल क्लियर हो गया। अब मॉडर्न में जो हम पढ़ेंगे, मॉडर्न में सिर्फ दो ही डायनेस्टीज आती हैं, दो ही रूल आते हैं, एक सिख रूल, दूसरा आता है डोगरा रूल। और ये वो जो डोगरा रूल है यहीं से आप लोगों की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है जम्मू की, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम, ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया इसमें आपको कोई डाउट? देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, यहाँ लिख देता हूँ कि कश्मीर हिस्ट्री में मैंने आपको कहा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में, ठीक है। एंशियंट में मैंने कहा कि एंशियंट में अगेन चार डायनेस्टीज रही, चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ, चार रूलिंग पीरियड में डिवाइड हुआ। पहला जो था वो महाभारत पीरियड था, दूसरा मौर्यन, तीसरा कुषाण, चौथा करकोटा डायनेस्टी, ठीक है। फिर जब हम मेडिवल की तरफ मूव ऑन किए, मेडिवल में मैंने कहा कि अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया मेडिवल, पहला हिंदू रूल, दूसरा मुस्लिम रूल। हिंदू रूल में कौन कौन से डायनेस्टीज रही? पहले उत्पाला डायनेस्टी, फिर गुप्ता, फिर लोहारा, फिर देव डायनेस्टी, ठीक है, फिर देव डायनेस्टी। उसके बाद जब मैंने मुस्लिम रूल की बात करी तो सबसे पहले शामीर डायनेस्टी, शामीर डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से रूलर्स रहे?
नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुस्लिम रूल में कौन रहा पहला? शामिर डायनेस्टी, फिर चक डायनेस्टी आई, फिर मुगल डायनेस्टी आई, फिर अफगान डायनेस्टी आई, ठीक है, सॉरी मुगल पीरियड, फिर अफगान रूल आया, ठीक है। मॉडर्न में मैंने कहा दो ही थे, पहले सिख रूल आया फिर डोगरा रूल आया, यहां तक कोई डाउट भाई? इसको अगर आप लोग 10 मिनट सिर्फ गूर के देखोगे ना, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो समझ लो आपका 20% टेंशन, नहीं 20 नहीं बोलूँगा, ज़्यादा ही है, मतलब अराउंड 40% जो टेंशन है वो ख़त्म, यहीं पे ख़त्म, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता लग गया, डायनेस्टीज का पता लग गया। चलो अब इससे एक फर्दर स्टेप और मूव ऑन करते हैं। महाभारत पीरियड में आपको जो याद रखना है वो ये कि जो फर्स्ट रूलर थे, मतलब अकॉर्डिंग टू द कल्हाणा हिस्टोरियन, कौन थे? गो नंदावन, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं? महाभारत पीरियड में, मतलब ऐसे इस टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था। गो नंदावन जो थे वो आए, उसके बाद मतलब उनकी कुछ मतलब बैटल हो रही थी ना महाभारत वार, तो उसमें उनके एक फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड की जगह गो नंदावन जो थे वो कूद पड़े, फिर डेथ हो गई। फिर उसके बाद हुआ यूं कि उनका बेटा भी आया, ठीक है, कृष्ण जी के हाथ उनकी डेथ हुई थी, फिर उनका बेटा आया और बेटा जो था वो गद्दी पे बैठा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये फिर हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आपका जो विजन है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को लेके वो क्लियर करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया, समझ लो आपको पूरी हिस्ट्री आ गई, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मेन प्रॉब्लम होती है कि हर किसी को लगता है ये हिस्ट्री बहुत बड़ी है, हमें समझ ही नहीं आएगी। भाई पूरी हिस्ट्री ही आप लोगों के सामने लिख दी, ये पूरी का पूरा एक शॉर्ट डायग्राम है, शॉर्ट नोट है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। चलो अब वन स्टेप मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला कि ये महाभारत पीरियड मैंने बता दिया आप लोगों को। महाभारत पीरियड के बाद जो रूल मौर्यन डायनेस्टी मैंने आपको बताई, मौर्यन पीरियड मैंने बताया, कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट होता आपका 321 से लेकर 185 BC, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे? अशोका, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि हु वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, तो आप सभी को पता होगा अशोका, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो फिर थोड़ा डीप चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अभी जो मैंने एक स्टेप डायग्राम आपको क्लियर करी है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको इनके फाउंडर्स के बारे में बताना चाहता हूँ और इनके डेट के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये दो चीज़ें क्लियर हो गई तो समझ लेना एग्जाम में पूछने वाले, अगर मतलब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से आप लोगों को 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन यहीं से होते हैं, 2 क्वेश्चन हमेशा फाउंडर में से या डेट में से होते हैं, बाकी जो इंसिडेंट्स होते हैं वहां से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पर्सनली, मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों इस तरह से करवाई है कि अगर एक बार बच्चा पढ़ ले उसको कभी भूलेगा नहीं, लेकिन वो हमारे VLW के पेड बैच में है, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7006332724 पे, मैं आपको जो भी डिटेल है पेड बैच की वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मौर्यन क्लियर हो गया, मौर्यन के बाद डायनेस्टी कौन सी आती है? कुशान, ठीक है। अब कुशान का जो टाइम पीरियड है कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका जो था 30 BC से लेकर 178 AD तक रूल रहा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जो कुशान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर थे कौन? फाउंडर थे कनिष्का, यहां लिखता हूं पर कनिष्का, ठीक है। अब एक यहां से कुशान डायनेस्टी में से क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किस डायनेस्टी में हुई, किस राजा ने करवाई थी? वो कुशान डायनेस्टी में ही हुई थी और कनिष्का ने करवाई थी, कुंडल वन जो वो शालीमार बाग के नियर है वहां पे, क्लियर। अब 3 राजा रहे जिसमें जिनको इनके निक नाम की अगर बात करो तो उनको कनिष्का, हुष्का, जुस्का जो था वो बोला गया था, ठीक है। बट मैं अभी इस कुशान डायनेस्टी में आपको सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ कि इसका जो फाउंडर थे वो कनिष्का थे और इसका टाइम पीरियड
30 से लेकर 178 एडी तक रहा, लेकिन टाइम पीरियड इसमें कभी भी नहीं पूछा गया, फाउंडर के बारे में पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ पे हुई थी, किसने करवाई थी। ठीक है, मैंने आपको दोनों के आंसर बताया अभी, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कारकोटा डायनेस्टी। कौन सी? करकोटा डायनेस्टी। अब करकोटा डायनेस्टी जो है ये, इसमें जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन आता है कि करकोटा डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज, करकोटा डायनेस्टी को और क्या मतलब, इस डायनेस्टी में जो लोग थे मतलब इस डायनेस्टी को और क्या बोला जाता था, दैट इज नोन एज नागास। क्या बोला जाता था? नागास। ठीक है, अब करकोटा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना। ठीक है, इसके फाउंडर, क्लियर है। दो क्वेश्चन हो गए यहां से। उसके बाद करकोटा डायनेस्टी के एक मोस्ट फेमस जो किंग रहे हैं, ग्रेट किंग रहे हैं, उसका उनका नाम आप सभी जानते हैं, उनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापीडा। ठीक है, और यही वो पर्सन है जिन्होंने मर्तान सन टेंपल को बिल्ड किया। ओके, और उसके बाद एक सिटी जो थी खीर भवानी श्राइन के पास इन्होंने बनाई थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था परिश्रम सिटी, कुछ ऐसे करके था, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर बोला जाता है। ठीक है, अब एंशियंट में आपको कोई दिक्कत, एंशियंट में कोई दिक्कत, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं यहीं पे आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग हिंदू रूल की, सॉरी अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में जो पहला रूलिंग पीरियड आता है हिंदू रूल पीरियड आता है, और हिंदू रूल पीरियड की अगर हम बात करें तो आपको जो सबसे पहले नंबर पे आता है दैट इज उत्पाला डायनेस्टी। एक सेकेंड, जो सबसे पहले नंबर पे आता है दैट इज उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो दैट इज 855 से लेकर 883 एडी तक टाइम पीरियड रहा, रूलिंग पीरियड रहा। उसके बाद इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था अवंती वर्मन। इन्होंने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था अवंतीपुरा। इन्होंने दो टेंपल बनाए थे, अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा, एक विष्णु भगवान के लिए, एक शिव भगवान के लिए। ठीक है, ओके, वो मैं लिखूंगा नहीं। और इनकी एक इंजीनियर थे, ग्रेट इंजीनियर थे, जिनका नाम था सुया। ठीक है, और इन्होंने एक टाउन जो था वो डिजाइन किया था सोयापुर, जो आज के टाइम का सोपुर जिसको बोला जाता है। क्लियर है, हो गया क्लियर उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के बाद शुरू होती है भाई क्या, गुप्ता डायनेस्टी। क्या शुरू होती है? गुप्ता डायनेस्टी। देखो उत्पाला डायनेस्टी के बाद बेसिकली हुआ यूं था कि इनके जो लास्ट थे, लास्ट जो रूलिंग मतलब लास्ट जो किंग था उत्पाला डायनेस्टी के, वो थे सुयावर्मन। ठीक है, सुयावर्मन उतने ज़्यादा तगड़ा नहीं था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे ब्राह्मणी काउंसिल जो थी वो बड़ी पावरफुल हो गई, तो उन्होंने उसको हटा दिया खुद आगे। इसके बाद बेसिकली ब्राह्मणिक रूल जो था वो स्टार्ट हुआ, लेकिन ब्राह्मणिक रूल में जो इनके जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम आई थिंक संग्राम था, उसको प्रभु गुप्ता ने फाइनली, प्रभु गुप्ता उनके मिनिस्टर थे, तो प्रभु गुप्ता ने उनका मर्डर किया, और उसके बाद शुरू होती है आप लोगों की गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम है प्रभु गुप्ता। ठीक है, क्या नाम है? प्रभु गुप्ता। अब प्रभु गुप्ता ने ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया, आई थिंक कुछ वक्त तक ही इन्होंने रूल किया, एक दो साल, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद इनके बेटे थे जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका? खेम गुप्ता। ठीक है, और खेम गुप्ता जो था वो ऐसे नलायक टाइप का लड़का था, बट इसकी जो शादी हुई वो लाहौरा डायनेस्टी की लड़की से हुई जिसका नाम था डीडा। क्यों डीडा इसको बोला जाता था? और ये बंदी जो थी
आप लोग कह सकते हैं ये ऐसी बंदी जिसने अराउंड 50 साल तक रूल किया कश्मीर में, 50 साल तक कश्मीर के रूल किया इस लेडी ने। और फिर बाद में जाते जाते इसने अपने भाई के बेटे यानी कि नेफ्यू जिसका नाम था संग्राम राजा, उसको जाके ये अपना जितना भी राज्य था वो सौंप गई। देन उसके बाद शुरू होता है व्हाट, लाहौरा डायनेस्टी। अब लाहौरा डायनेस्टी के कौन थे भाई फाउंडर, आप लोग कह सकते हैं दैट वाज नेफ्यू ऑफ क्यों डीडा, ऑफ डीडा। क्या नाम था इनका, नाम था संग्राम राजा, ठीक है। और उसके बाद इस लाहौरा डायनेस्टी में अगर कोई एबल रूलर था, एबल रूलर मतलब योग्य रूलर अगर कोई था तो वो कौन थे, वो थे जयसीमा, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, इसका जो मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स जो है हिस्ट्री का वो क्या है, वो भाई राजतरंगिणी है ना, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है, लिखी है पंडित कल्हाना ने, ठीक है। कब लिखी थी, 1149 टू 50 के बीच में, और किस टाइम पीरियड में, किनके रिजीन में, भाई जयसीमा के रिजीन में। तो ये जो कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी लिखी है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में लिखी है, क्लियर हुआ। और उसके बाद लोहारा डायनेस्टी के बाद शुरू होती है देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, बिल्कुल मतलब उतने ज़्यादा एबल नहीं थे। तो फिर ख़त्म हुई कहानी और शुरू हुई मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले अगर हम बात करें रिंचिन का, आपने नाम सुना होगा, वो तिब्बतन था, बाद में उसने कोटा रानी से शादी की, शादी करने के बाद वो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम में, ठीक है। और लेकिन उसको कन्वर्ट करने वाले कौन थे, शामीरी था, ठीक है। बट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है हु वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर हिस्ट्री, तो कौन थे वो, दैट वॉज शामीर। कौन थे, शामीर। अब शामीर देखो, देव डायनेस्टी खत्म हुआ, देव डायनेस्टी की मैं आपको डेट लिख देता हूँ, 1171 से लेकर 1371 तक इन्होंने रूल किया, 80 तक रूल किया, ठीक है। उसके बाद देव डायनेस्टी खत्म हुई। अब अगर हम बात करें तो देव डायनेस्टी के बाद कहानी जो शुरू होती है वो मुस्लिम रूल की शुरू होती है, मेडिवल हिस्ट्री में ही है अभी, ठीक है। मुस्लिम रूल की शुरू होती है, मुस्लिम रूल में जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है वो है शामीरी डायनेस्टी। क्यों, क्योंकि ये शामीर जो पर्सन थे उन्होंने उनका वो राजा बने, उनके नाम पे ये डायनेस्टी शामीरी डायनेस्टी। लेकिन एक और नाम था इनका एक और नाम था शामीर का, एक इनका नाम और था जिन्हें बोला जाता है शमशुद्दीन, ठीक है। क्या बोला जाता है, शमशुद्दीन, ठीक है। तो ये बंदे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ये आता है कि वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर हिस्ट्री, तो मैक्सिमम टाइम शामीर की जगह शमशुद्दीन लिखा होता और बच्चों को पता नहीं लगता कि ये कौन है, तो शामीर का नाम ही शमशुद्दीन था, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता था। उसके बाद साहिबुद्दीन, शामीर के बाद जो रूलिंग पीरियड में आए, जो राजा रूलिंग पीरियड में आए वो थे साहिबुद्दीन। अब साहिबुद्दीन कौन थे, ही वॉज अ ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ठीक है। इनको मेडिवल कश्मीर का ललित आदित्य बोला जाता था, बड़ा नाइस बंदा था ये, ठीक है। साहिबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन आए, फिर सिकंदर आए, फिर जैनुल अबिदीन आए। अब जैनुल अबिदीन जो थे, अब सभी को बता दूं, ही वॉज अ पर्सन, मतलब इनके टाइम पीरियड, इनको बूढ़शाह बोला जाता था। सुनो, पहले तो इनको बूढ़शाह बोला जाता था, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया, हु इज नोन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज बूढ़शाह, तो आंसर होता था जैनुल अबिदीन। इनको बोला बूढ़शाह का मतलब होता ग्रेट रूलर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक दो आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई थी, एक आर्टिफिशियल इन्होंने वो बनाया था आर्टिफिशियल, एक इन्होंने वुडन ब्रिज बनाया, एक इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, ठीक है, आइलैंड बनाया था एक आर्टिफिशियल आइलैंड को जैन लैंक बोला जाता है और वुडन ब्रिज को जैन कडल बोला जाता है,
जैन कडल। और भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में आया ये दोनों क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुडन ब्रिज, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुडन ब्रिज मेड बाय जैन अलाबिदीन। तो वुडन ब्रिज की जब बात हो जैन कडल हो, या अगर ये हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, तो आंसर होगा जैन अलाबिदीन। भाई क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद जब सुल्तान हबीब खान आए उतने ज़्यादा एबल नहीं थे, तो इनके जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर इनके जनरल जो थे जिनका नाम था गाजी चक, उन्होंने इनको डिस्पोज कर दिया। और उसके बाद मुगल शामिर डायनेस्टी जो ख़त्म हुई, फिर गाजी चक के नाम पे चक डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं गाजी चक, क्लियर। ठीक है, अब गाजी चक के बाद जो स्टार्ट हुआ फाइनली, जो रूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है वो मुगल्स का पीरियड स्टार्ट होता है। मुगल में सबसे पहले अकबर जो आए, अब अकबर जो थे वहाँ से रूल नहीं करते थे भाई, ठीक है, तो ये अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल करवाते थे यहाँ पे। अकबर के बाद जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए। अब क्या बोलते हैं, ये जो आपके निशांत बाग हैं, ठीक है, शालीमार बाग हैं, ये इसी मतलब इन्हीं के द्वारा बनाए हुए कुछ, मतलब क्या बोलते हैं इनको, इनके साले साहब ने बनाए, कुछ इन्होंने खुद बनाए। ठीक है, हो गया। औरंगजेब के बाद शुरू होता है अफगान रूल, और अफगान रूल के जो फाउंडर थे कौन थे, वो अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था उनका, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और ये कहाँ से थे, ये काबुल से थे। ठीक है, मुगल पीरियड जो था ये कब से लेकर कब तक था, ये आपका 1587 से लेकर 1752 तक रहा। और अफगान जो था वो 1753 से लेकर 1819 तक रहा। ठीक है, बट अब्दाली के बाद कहानी जब पहुंचती है सिख रूल पे, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कमांडर चीफ जोरावर सिंह के साथ मिलकर जब हमला किया फाइनली, तो इसको हथियाया, कश्मीर पे हमला किया, उसको हथियाया, और फाइनली 1819 से लेकर 1846 तक किनका रूल चला, सिख रूल चला। ठीक है, और फिर उसके बाद 1846 के बाद शुरू होती है डोगरा रूल की कहानी। बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह के अंडर ही महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो उनकी सेना में आए, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को देख के महाराजा ने उनको जम्मू जो था एज अ जागीर उनको दिया, मतलब उनको किंग बनाया जम्मू का। और फिर फाइनली जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज ने क्या बोलते, अब ये जो महाराजा, ये जो सिख रूल था ये लाहौर दरबार से ये लोग रूल करते थे। ठीक है, अब हुआ यूँ कि फिर अंग्रेज़ों ने लाहौर पे जब कब्ज़ा किया तो सिख जो थे वो हार गए, फिर वहाँ ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी इनके साथ साइन हुई। लेकिन उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो कश्मीर के, सॉरी जम्मू के राजा उनको बनाया गया था। फिर जब वो ये अंग्रेज़ जो थे वो जम्मू में आए, तो फिर हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने उनके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर करी, और मतलब 75 लाख नाना साहिब रुपीज़ में ख़रीद लिया। और फिर मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना रूल नहीं किया, यहाँ पे हमारा जो डोगरा रूल था वो स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में मैं सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा। अगर ये भाई, अगर ये चीज़ें मैंने जो कही है ना, हार्डली 27-28 मिनट में मैंने सारी चीज़ें कर दी, और बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे मैंने चीज़ें बताई। मुझे ये चीज़ बताओ, मैंने अभी तक जितना बताया कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, नो डाउट मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, बट वो चीज़ें छोड़ी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती है मैंने एक एक चीज़ लिखी है यहाँ पे। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो ना, तो मेक श्योर आप 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ के आओ। 4 क्वेश्चन अगर आए हैं, अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे ना, आप 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं छूटने वाले। तो आज का वीडियो आपको लगा कैसे, पहले तो आपको कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है कि सुपर्ब, क्या लिखना है, सुपर्ब JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैंने आप लोगों को नॉन स्टॉप 30 मिनट का लेक्चर दिया, आप लोग ये कमेंट तो लिख ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाइक ज़रूर करना। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, तो मैसेज करो 7006333
2724 पे। और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करो और अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।